मैं संजय मिश्रा आज आप सभी लोगों के लिए कक्षा, ये समझ लीजिए कि हम किसी क्लास के लिए नहीं, आप समझ लीजिए कि ऑल वन डे एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव, यानी कॉम्पिटिटिव हर एक एग्ज़ाम पे, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री यानी एडवांस मैथ का हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले हम पहला वीडियो पढ़ा चुके हैं, ठीक। आप हमारे यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा मैथ पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट बेसिक मैथ हम लोग पहला वीडियो कर चुके हैं। सेकंड वीडियो में हम लोग आज बेसिक ये पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई कोण है तो कितने कोण का मान क्या होता है। जैसे मान लीजिए पूछे साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान, ऐसी सब चीज़ें जानने के लिए आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग बने रहिए, ठीक, संजय मिश्रा मैथ्स पर। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के आप लोग सेकंड वीडियो कैसे करते हैं, बहुत बेसिक से हम लोग इसमें समझेंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एंगल यानी कोण का मान, कोण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए पूछे साइन 30 अंश या 0 अंश, इनका सबका मान क्या होता है, तो इन सबको मान निकालने के लिए आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम इनको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा ऊपर से लिखेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए साइन का मान पूछे, कास का मान पूछे, टेन, कॉट, सेक और कोसेक का मान पूछे। अब मान लीजिए इन सब का वैल्यू पूछ रहा है और इसमें एक कोण भी पूछ ले, मान लीजिए थीटा का मान पूछना हो, अब थीटा की जगह पर यहाँ पर 0 अंश हो जाए, 30 अंश, 45, 60 और 90, इन सब की वैल्यू पूछनी हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए इनको निकालना आप लोग सीख लीजिए कैसे निकलता है, वैसे आप लोग को याद करना ज़्यादा बेटर पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए छोटी चीज़ों के लिए आप लोग निकालेंगे तो है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आइए चलते हैं, इनको निकालना हम लोग सीखते हैं कुछ। ओके, तो पहले हम लिखेंगे 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, इस तरह से लिख लेंगे गिनती को, उसके बाद 4 को सभी से डिवाइड कर देंगे, सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे और फिर सब में रूट लगा देंगे। अब जब रूट लगेगा तो 0/4 क्या आ जाएगा, 0, 0/4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर साइन लिखिए, कॉस लिखिए, टैन, कॉट, सेक और नीचे कोसेक। तो जैसे साइन 0 अंश का मान, तो 0/4 यानी 0 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 और नीचे 4 का वर्गमूल 2 यानी 1/2, यानी साइन 30 अंश का मान कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। अच्छा 2 से कट जाएगा तो 1/2 यानी 1 का वर्गमूल तो 1 आ जाएगा, लेकिन नीचे √2 बन जाएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, दोनों कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा, इस तरह से लगाएंगे। अच्छा कास का निकालना हो तो आप इधर से इसको लिखते चाहिए, यानी 1 √3/2 √3/2 ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। अब देखिए बच्चों टेन निकालना है, जैसे साइन कास निकाले तो टेन निकालना है, आपको हम बताएं कि साइन कास के बाद टेन कैसे निकालेंगे। देखिए जो हमारा टेन होता है वो साइन बटा कास होता है। अब टेन निकालना है तो साइन बटा कास मतलब इसको मान लीजिए भाग लिखा है, बटा लिखा है, तो 0/1 क्या आएगा, 0/1 क्या होगा, 0 तो होगा, इनको इनसे भाग करेंगे तो नीचे 2 2 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा, इनसे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, नीचे 2 से 2 कट गया यानी √3 आ गया, और 1/0 यानी 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना, अनंत होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे अनंत, ठीक, ये हमारा अनंत हो जाएगा। अब मान लीजिए कार्ड की वैल्यू निकालनी है, तो कार्ड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे,
देखिए कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, यानी इसको पलट दीजिए तो कॉट आपको मिल जाएगा। अब जब इसको पलट देंगे तो जीरो है तो 1/0 क्या होगा, पलटने का मतलब 1/2 हुआ। या ऐसा करिए आप इधर से लिखते चले आइए इनको, इनफाइनाइट √3 1, इनको यहाँ लिख दीजिए और इनको यहाँ लिख दीजिए, हो गया। अब सेक निकालना है, सेक का मतलब होता है कॉस का उल्टा, यानी 1/1 एक हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर जाएगा √3, यानी 2/√3। इनको पलटेंगे तो ये √2 ऊपर पहुंच जाएगा, इनको पलटेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और 0/1 यानी 0 हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा, सॉरी 0 नहीं होगा, इनको 0 को पलटेंगे तो 1/0 होगा, यानी 1/0 बोल तो अनंत। अब मान लीजिए साइन का निकालना है तो फिर इधर से उल्टा लिख कर दीजिए, बड़ा आसान तरीका है इसको निकालने का। यहाँ से हमारा इन्फाइनाइट हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर √2 आ जाएगा, इधर 2/√3 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक खास बात, सबसे अच्छी चीज़ हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहली बात क्या 90° से अधिक का मान निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, उसके तरीके आपको बताए जाएंगे। आप 90° से कोण अधिक है तो उसका भी निकाल सकते हैं, और इसमें भी कई कोणों का निकाल सकते हैं। वैसे 0 से लेकर 90° यानी कोई भी एक अंश, 2 अंश, 3 अंश, चाहे जितने एंगल होंगे सबका निकाल सकते हैं, लेकिन इन सब का निकालने का तरीका अलग है। आप लोग ये कभी हाई स्कूल में पढ़े होंगे तो पीछे एक ट्रिग्नोमेट्री सारणी दे रहती होती है, मतलब त्रिकोणमितीय सारणी दे रखी होती है, वहाँ से हम लोग वैल्यू देख कर 1 अंश 2 अंश का निकालते थे। वैसे यहाँ पर हम लोग खास कर किसका किसका निकाल सकते हैं, आप लोग यहाँ पर ये सब आपके कंपटीशन पूछते हैं, 15° का मान, 30 और 60 का हमने लिखा दिया, 45 का भी लिखा दिया, 15° का पूछ सकता है, 75 का पूछ सकता है, 105 का भी, इन सब का भी निकाल सकते हैं आप लोग। इसको हम आगे बताएंगे कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके तरीके होते हैं निकालने के, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या साइन कास का मान कितना हो सकता है, अधिकतम कितना होगा, न्यूनतम कितना होगा, यदि कोई वैल्यू ना दे रखी हो तो हम ये समझेंगे कि इनका डोमेन और रेंज क्या होता है। इसको हम डोमेन और रेंज कहेंगे, यानी प्रांत और परिसर कहेंगे, यानी अधिकतम कितना होगा, न्यूनतम कितना होगा। तो आइए देखते हैं, तो जो हमारा साइन वैल्यू होती है साइन थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर 1 के बीच में होती है। मतलब क्या हुआ कि अधिकतम 1 होगा और न्यूनतम -1 होगा। इसको इस तरह से ना लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, यानी साइन थीटा की वैल्यू अधिकतम 1, न्यूनतम -1, यानी ना तो इससे ऊपर जाएगा और ना -1 से नीचे जाएगा। इसको समझिए, अब कास की वैल्यू कहें तो ये भी हमारी सेम होती है, -1 से कॉस थीटा, ठीक। अब मान लीजिए टेन की वैल्यू पूछे कि क्या टेन की भी ऐसे होती है, तो देखिए टेन थीटा की, तो जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो -अनंत से +अनंत के बीच में होती है, ठीक। यानी ये कह सकते हैं कि टेन एक ऐसा मान है, देखिए अब यहाँ अनंत है और इसमें 1 से 0 गया है, 0 से 1, यानी यदि कोण प्लस में था तो 0 प्लस में रह गया, माइनस में होता तो माइनस में जाता। यहाँ देखिए जो हमारी टेन थीटा की वैल्यू होगी वो लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं लगेगा, क्योंकि अनंत पर कभी हम लोग बराबर नहीं कर सकते हैं। आप इसको जानना है, इक्वलिटी चिन्ह आपको नहीं समझ में आ रही है चिन्ह के बारे में, तो आप संजय मिश्रा मैथ्स यूट्यूब चैनल पर जाइए और क्लास 12th की मैथ पढ़िए, रैखिक आसमका है, लीनियर इनिक्वेशन, वहाँ पर आपको पूरा इनइक्वलिटी के बारे में जानकारी मिल जाएगी, इसके बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी कि ये इनइक्वलिटी क्या होती है, ठीक है। ये तीन चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके, अब देखिए आगे क्या है। अच्छा, अब हम लोग कॉट का भी देख लेंगे और सेक कोसेक का भी देख लेते हैं मान कितना होता है। तो जो हमारा कॉट होता है इसकी जो अधिकतम वैल्यू होगी वो भी -अनंत से
प्लस अनंत के बीच में होगी। लेकिन जो हमारा इसको उस तरह से भी लिख दें, क्यों, माइनस अनंत से लेकर अथवा लगा दें कॉट थीटा की वैल्यू प्लस अनंत के बीच में होगी। अब मान लेते हैं सेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, तो जो सेक थीटा की वैल्यू होती है ये ही समझ लीजिए कि थोड़ा हम उसको आपको ग्राफ बनाकर दिखाते हैं कैसे क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कॉस की वैल्यू हो गई, ये कॉस का ग्राफ है। आगे आप लोग को ग्राफ का एक वीडियो अलग से मिलेगा, उस पर तीनों के चारों छह ग्राफ हम बना के उसकी वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर प्लस एक है, यहाँ पर माइनस एक है। तो जो हमारा सेक होगा वो प्लस एक से ऊपर जाएगा और माइनस एक से नीचे। तो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू हमारी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होती है। सॉरी, ओपन इंटरवल। लेकिन इसमें वैसे ये वैल्यू नहीं आएगी, यानी माइनस वन से प्लस वन माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, इतनी वैल्यू हट जाएगी। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सेक की वैल्यू है, सेक या कोसेक दोनों की सेम होगी, वो माइनस अनंत से लेकर माइनस वन तक होती है, क्लोज इंटरवल। उसके बाद प्लस एक से लेकर प्लस अनंत के बीच में होती है। इस तरह से ये हमारी दोनों वैल्यू होती हैं, चाहे इनके लिए प्रयोग करो या इनके दोनों के लिए कर सकते हो आप, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस तरह से तो हमारी ये वैल्यू होती हैं। चलिए, वैल्यू पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, हम लोग आगे कुछ इसके और अच्छे से देखते हैं। चलिए हम ये देखते हैं कि चतुर्थांश क्या होते हैं। सबसे अच्छा ये क्वेश्चन इसी से बनते हैं, चतुर्थांश से। तो आ जाइए हम लोग बच्चों चतुर्थांश देखते हैं। तो जो हमारा चतुर्थांश होगा वो क्या होते हैं, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ये हमारा मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इसको हम लोग मूलबिंदु जीरो बोलते हैं, ओरिजिन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, मूलबिंदु कहते हैं जीरो। हम ये जानते हैं कि जब मूलबिंदु से इधर जाते हैं तो हमारा एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इधर जाएंगे तो निगेटिव होगा। ऊपर जाएंगे तो वाई वाला क्या होता है, पॉजिटिव, और नीचे जाएंगे तो वाई क्या होता है, निगेटिव होता है। इतना क्लियर है। देखिए, इससे आप लोग ये ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे, वैल्यू यहाँ से निकालना सीख लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, वैल्यू यहाँ से निकालना अवश्य सीखिए कैसे निकलता है। तो देखिए, अच्छा, कोण का मान यदि कहें तो ये मान लीजिए एक कोई रेखा, कोण क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये रेखा इस पर रखी हुई है तो इस समय इसके साथ जीरो बना रही है। जैसे जैसे चलेगी कोण बढ़ता जाएगा ऐसे आके 90 हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना अंश हो गया, 90 अंश। यहाँ पर जीरो अंश था, यहाँ से बढ़कर कितना हो गया, 90 अंश। अब मान लीजिए 90 अंश से ऐसे से बढ़ते जाएँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 अंश, क्योंकि इतना 90 और ये 90 मिलकर 180 अंश। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम और बढ़ाएंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 270 अंश। इनको और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 360 अंश। यानी यदि हम कोण थीटा बना ले तो हम ये कह सकते हैं इसमें जो थीटा है वो जीरो से बड़ा है। पहले चतुर्थांश का मतलब हो गया फर्स्ट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेटिक, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेटिक, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेटिक। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया थीटा का मान जीरो अंश से ज़्यादा हो, या हम ये कह दें कि जो थीटा हो वो हमारा, सॉरी, जो यहाँ पर कोण इसमें 90 माइनस थीटा कह सकते हैं, यानी पहले चतुर्थांश का मतलब 90 में से कुछ घटाए, यहाँ पर 90 हो गया, 90 में से कुछ घटाएंगे तभी तो 90 माइनस थीटा बनेगा। या हम कह दें 360 में जैसे हमने कुछ जोड़ा इसे, यानी इसको हम 360 प्लस थीटा भी कह सकते हैं। यानी पहले चतुर्थांश में हम कहेंगे कोण का मान 90 से ऊपर जा रहा है, 90 से कम है, क्योंकि 90 आएगा तो हमारा वाई एक्स पर आ जाएगा, 0 आएगा तो हमारा कहेंगे कि एक्स एच पर आ गया। अच्छा, 360 कहेंगे तो भी हमारा एक्स एच की धन दिशा में बनेगा, लेकिन जब 360 में कुछ जोड़ देंगे थीटा की वैल्यू 1 अंश से लेकर 89,
89 डिग्री तक हो सकती है, कुछ जोड़ देंगे तो हम कहेंगे ये हमारा पहला चतुर्थांश है। यदि कोण का मान 0 से लेकर 90 के बीच में है तो इसमें आल इज पॉजिटिव, मतलब साइन से लेकर कोसेक तक सब के सब पॉजिटिव होंगे। ठीक, आगे देखिए, जैसे मान लीजिए कोण का मान 90 अंश से बढ़ा, यानी थीटा का मान 90 अंश से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो, इसमें आया तो हम कहेंगे कि जो साइन है और उनका संबंधी कौन सा कोसेक, केवल यही पॉजिटिव होंगे, केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे। यानी यदि कोण का मान 90 अंश से ज़्यादा है और 180 से कम है, यानी तो दूसरे चतुर्थांश में है, और यदि दूसरे चतुर्थांश में है तो वहाँ पर जो हमारा साइन और कोसेक है तो यही केवल पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। तीसरे में आइए, जब तीसरे में चलेंगे तो कोण का मान 180 प्लस हो जाएगा, यानी हम ये कह दें कि इसमें कोण 90 से अधिक, यानी 90 प्लस थीटा कह दें, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, तो साइन और कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब मान लेते हैं हमारा कोण जो है 180 प्लस थीटा हो गया या 270 माइनस थीटा हो गया, तो हमारा कोण पॉजिटिव होगा, तो टेन और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। क्लियर हो रहा है? देखिए बच्चों, ये बहुत आसान चीज़ है, इसको एक बार आप लोग समझ लीजिए कैसे होता है। बहुत आप ट्रिग्नोमेट्री से खेलेंगे, समझ लीजिए कि बहुत इजी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, बहुत इजी वे में है। ठीक, और ये नहीं समझ में आएगा तो आप ज़िंदगी भर हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में उलझे रहेंगे कि किसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे क्या होती है, आई डोंट माइंड। ठीक, चलिए देखिए, इसमें जो वैल्यू कहेंगे, ये कहेंगे कि 270 से आगे जाएगा, यानी 270 प्लस थीटा, या 360 से कम हो 360 माइनस थीटा। अच्छा, इसमें जो है वो कॉस और इनका उल्टा क्या होता है, सेक, ये हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। यानी हम ये कह दें कि दूसरे चतुर्थांश में टेन का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, चौथे में क्या होगा, धनात्मक हो, सॉरी टेन का मान ऋणात्मक होगा, लेकिन तीसरे में क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हम समझ लिए। अब एक चीज़ आपको हम यहाँ पर और बता दे रहे हैं, यदि कभी कोण हमारा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, यदि कोण हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा थीटा पॉजिटिव मानते हैं, और यदि कभी हमारा कोण क्लॉकवाइज मूव करता है, मतलब घड़ी की दिशा में चलता है, क्लॉकवाइज मूव करता है, तो हमारा जो थीटा होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यदि कोण का मान, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फार्मूला भी आपको मैं बताऊँगा यहाँ से। जैसे देखिए, मान लीजिए एक हम ये चीज़ बता दें कि यदि मान लीजिए कोण साइन माइनस थीटा है, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा। ठीक, ये सब चीज़ें देखिए, आप लोग को पहले भी हम 6-7 फार्मूले लिखवा चुके हैं, यहाँ पर जितने कॉन्सेप्ट अभी हमने वैल्यू निकालने को बताया, फिर इसके बाद ये बता रहे चतुर्थांश के बारे में बता रहे हैं। चतुर्थांश बताने के बाद आप लोग को अभी हम कुछ सवाल भी इस पर लगवाएंगे, कुछ फार्मूले बता रहे हैं, इन सबको आप लोग एक ही में लगा, मतलब एक डायरी में या एक नोट्स में आप लिखते चलिए। आज यदि हम पूछे कि साइन का मान माइनस में है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखिए पहले तो सब में माइनस लगा लीजिए, अभी आपको मैं बता रहा हूँ, यदि अंदर माइनस है तो बाहर भी माइनस होगा, पहले इतना करिए तो बताएं, कर चुके कि इतना हो गया। ठीक, अब देखिए, यदि हम कोण को माइनस में चलेंगे, मतलब एंटीक्लॉक, जैसे मान लीजिए अब इसमें क्या सीखे हम लोग, कि ये देख रहे हैं कि कॉस जो है, कॉस के अंदर माइनस का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सेक के अंदर माइनस का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये जो हमारी है एक कॉस और सेक, यानी कोण जैसे हम पीछे जाएंगे तो इसे माइनस हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद ये क्या होगा, चौथा चतुर्थांश में आ जाएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, इसीलिए माइनस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्लियर, इट्स ओके। देखिए बच्चों, इतना क्लियर हुआ हो तो आगे बढ़ें, बढ़ें आगे, ओके। देखिए चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसमें, तो इतना समझ में आया। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, कि हम पूछे 0 अंश कहाँ होता है, तो 0 अंश यक्ष अक्ष के धन दिशा में होता है, 90 अंश कहाँ होगा, 90 अंश वाई अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी वाई अक्ष के धन दिशा में होगा, 180 अंश यक्ष अक्ष के ऋण दिशा में, ऋणात्मक माइनस डायरेक्शन में होगा,
270 वायु किरण दिशा में होगा, ठीक। 360 कहाँ होगा, इसमें होगा। यदि हम पूछे 360 में 90 जोड़ दे तो पाँच कितना हो जाएगा, 410 अंश किस में होगा, तो इसमें हो जाएगा। ऐसे हम 90 जोड़ के चाहें तो किस में बता सकते हैं कौन किस में होगा। यदि हम पूछे कि जैसे मान लीजिए लिखा हो साइन, लिख दें 133 अंश। अब साइन 133 अंश का मान दे दे और पूछें कि ये धनात्मक होगा ऋणात्मक, केवल इतना पूछ ले धनात्मक होगा या ऋणात्मक, तो हम ये देखेंगे जो ये 133 है ये हमारा किस चतुर्थांश में है, पहले में या दूसरे में। ये दूसरे में है, 133 90 से बड़ा है, 180 से कम, तो दूसरे में है। और दूसरे में साइन क्या होता है, धनात्मक होता है ना। और इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं देखिए, थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करते हैं कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है कॉस, आप कॉस दे दें 210 अंश दे दिया। अब 210 अंश को हम देखेंगे कि किस चतुर्थांश में है। बैलून निकालने की अलग बात है, लेकिन उसका साइन कैसा होगा, चिन्ह कैसा होगा, अलग बात है। अब 210 अंश हमारा 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है, यानी तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे में कॉस क्या होगा, ऋणात्मक होगा, केवल चौथे में धनात्मक होगा, तीसरे दूसरे में धनात्मक नहीं होगा। मान लेते हैं हम पूछें कि सक 155 अंश मान लेते हैं कितना होगा, या मान लें 255 अंश क्या होगा। अब 255 आप देखिए कि तीसरे में पड़ेगा चौथे में पड़ेगा, तो 270 से कम है, 180 से ऊपर, यानी दूसरे में पड़ेगा। और दूसरे में केवल सिर्फ और सिर्फ केवल 10 और 8 धनात्मक होगा, बाकी सब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्लियर है? तो चलिए आगे कुछ इस पर और हम देखते हैं, एक तरीके और देख लेंगे, कुछ उसमें फार्मूले आपको मिल जाएंगे, उसके बाद हम इस पर 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। बस इतना ही रहेगा ये वीडियो में। चलिए कुछ हम लोग कन्वर्टर देख लेते हैं कैसे, जैसे साइन को काफ में कन्वर्ट करना हो, या एक देख लें वैल्यू क्या होती है। तो देखिए ये 90 अंश होता है, उसके सामने वाले को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या नाम देते हैं, कर्ण, आपको हम पहले बता चुके हैं, पहले वीडियो आप देखिए उसमें मिल जाएगा आपको। अब यदि हम इसको कोण ले रहे हैं थीटा को, तो थीटा के सामने वाले को हम लंब नाम दे देते हैं और जो बचता है उसको आधार नाम देते हैं। अब यहाँ पर यदि हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, अब लाल बटा कक्का देखिए, लंब बटा कर्ण, साइन की वैल्यू क्या होगी, लंब बटा कर्ण होगी ना। अब साइन की वैल्यू यदि लंब बटा कर्ण हो रही है तो लंब बटा कर्ण लिख देंगे। अब यदि ये कोण 90 अंश है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। अब हमें इस कोण को यदि निकालना चाहें, यदि इस कोण को निकालें तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यदि हम सोचें कि आद लंब बटा कर्ण ही मिले, हमें लंब बटा कर्ण मिले, तो जब ये कोण लेंगे, थोड़ा देखिएगा गौर से, जब ये कोण लेंगे तो मान लेते हैं हम कॉस ले लें, अब इसके सामने वाला ये लंब कहलाएगा, जब इसकी बात करेंगे ये आधार हो जाएगा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। और ये आधार पहले क्या था, पहले तो लंब था ना, यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि ये दूरी हमारी लंब थी, या हम इसको यक्ष मान लें तो यक्ष हमारा यहाँ भी रहा, पहले यक्ष यहाँ था, बाद में यक्ष यहाँ हो गया, यानी यक्ष बटा के यक्ष बटा के, मतलब क्या निकल रहा है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो काफ 90 माइनस थीटा के बराबर होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा। तो इसी प्रकार साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगी, ठीक है। अब टेन की बात कर लें तो टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू टेन थीटा होती है। बहुत ईजी है, थोड़ा इसमें डिफरेंस ध्यान रखिएगा क्या कहाँ रहता है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक को लिखेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा, बस इतना ही करना है। यानी हम ये देख रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस, और कॉस 90 माइनस, यानी ये दो आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये दो बदल जाएंगे, ये दो बदल जाएंगे, बस इतना है। छह याद रखिए, दो दो को आपस में बदलते रहिए, 90 माइनस थीटा के लिए केवल, 90 प्लस के लिए दूसरा कुछ होता है। चलिए ये तो 90 माइनस थीटा के लिए हो गया। अब यदि मान लें 90 प्लस थीटा के लिए करना है तो क्या करेंगे, अब 90 प्लस करेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, पहला छोड़कर दूसरे में पहुँच जाएंगे। अब सब में पहले प्लस लगा लो, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट्स में लिख लीजिए।
आप 90+θ करेंगे तो दूसरे में पहुंचेंगे, और दूसरे में कौन सा धनात्मक होगा उनके छोड़कर बाकी सब माइनस कर दीजिए। तो एक तो साइन 90+ कुछ भी होगा तो धनात्मक होगा यानी इनको छोड़ दीजिए, और एक कोसेक होगा तो इनको छोड़ दीजिए, बाकी सब। अब ये मत देखिएगा आगे क्या लिखा है, साइन यहाँ पर चेक कीजिएगा तो यहाँ बाकी ये क्या होंगे, माइनस 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 बस, यानी साइन 90+θ धनात्मक, कोसेक 90+θ धनात्मक, और ये दूसरे चतुर्थांश में आपको हम इसके तो अभी तुरंत बताए हैं कि जो दूसरा चतुर्थांश है वो 90 में कुछ जुड़ेगा तब जाएगा, और 90 में तो कुछ जुड़ता है तो कौन धनात्मक बनता है, साइन और कोसेक बनता है। ठीक है, चलिए बस आज के वीडियो में हम लोग इतना ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब हम लोग इन तरीकों पर कुछ सवाल करते हैं। दोस्तों हम वादा करते हैं, मतलब बता रहे हैं आपको कि हम कोशिश करेंगे कि हर एक वीडियो पर 2-3 कॉन्सेप्ट और कम से कम 5 एग्जाम पर, मिनिमम 5, उससे अधिक हो सकते हैं, कम नहीं करेंगे। ठीक है, देने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है पहला, ये सब आपके कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है, कुछ सीजीएल मेंस में आया है, कुछ एसएससी वगैरह के तमाम क्वेश्चन में आया है। आप लोग किसी एग्ज़ाम के लिए, ये पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, आप कोई भी कंपटीशन ट्रिग्नोमेट्री से बीट कर सकते हैं यदि इस वीडियो से आप लोग जुड़े हुए हैं। तो आपको हर एक छोटी से लेकर बड़ी तक हर तरीके बताए जाएंगे इसमें, ठीक, 0 to high level, बिल्कुल इसमें कुछ डाउट नहीं है, एनी डाउट। चलिए देखते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से, पहले लिखा है tan 1 अंश इंटू tan 2 अंश इंटू tan 3 अंश ... tan 89 इंटू tan 88 इंटू tan, बस इतना ही है। अब कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी tan 1 अंश गुणे tan 2 अंश गुणे tan 3 अंश ... tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो यदि इसका मान निकालना है तो आप सोचिए इसमें कैसे, सब तो गुणा में है, और 1 अंश 2 अंश 30 होता है, 45 होता, तो मान रखकर हम गुणा करते हैं, यहाँ पर तो मान तो हम निकाल नहीं सकते, फिर कैसे करेंगे। ठीक, तो एक मिनट, 30 45 ये सब होता तो मान निकाल लेते, अब यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो करना क्या है, यहाँ पर 89 है, यहाँ पर एक, मतलब ये जो है 90 से, देखिए दोनों में एक जोड़ दें तो 90 हो जाता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे tan 1 अंश tan 2 अंश tan 3 अंश ... सब गुणा लगा है। अच्छा, इसके पहले कहाँ रहा होगा 87, तो हम 87 को 90 - 3 नहीं लिख सकते हैं, 88 को यदि हम 90 - 2 = 2 बन जाए काम, और इसको 90 - 1 अंश कर दें। अब इनको तो ऐसे रहने दीजिए, tan 1 tan 2 tan 3 अंश ... अच्छा, ये tan 90 - θ भी आपको हमने बताया है क्या होगा, cot थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot इंटू पर cot 1 अंश। अच्छा देखिए, tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल यानी उल्टे होते हैं, तो इसको 1 upon tan इस तरह से लिख दें, तो ये नीचे ऊपर क्या हो जाएंगे, सब कट जाएंगे। अब लास्ट में जो बचेगा बीच में, वो बचेगा tan 45 और tan 45 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यानी tan 45 अंश की वैल्यू बचेगा 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और ये देखते हैं क्या होगा, चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं कैसे होगा। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 12 sin θ और 5 cos θ, और जो इसमें कह रहा है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 90 अंश के बीच में है। ठीक, कह रहा है जो वैल्यू निकालना है, देन फाइंड sin θ + cos θ - cot θ,
ये वैल्यू निकालना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, क्या यहाँ पर जो साइन थीटा है प्लस 12 साइन थीटा बराबर 5 कॉस थीटा लिखा है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए साइन थीटा है, तो साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिख दें, 5 को यहाँ ले जाएँ। या हम सीधा ऐसे करें कि इसको दो तीन तरीके लगाने के, चलिए हम आपको तरीका बता रहे हैं कैसे लगेगा। साइन थीटा बटा कॉस को नीचे लाइए तो 5/12 हो जाएगा, इसको हम लोग टैन बना देंगे। अब यहाँ से यदि हम कोण बना लें या 90 बना लें तो लंब बटा आधार यानी 5/12, यदि आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 13 आ जाएगा। ठीक, अब 13 आ जाएगा तो हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू, तो लंब बटा कर्ण यानी 5/13, कॉस की वैल्यू आधार बटा कर्ण यानी 12/13, और कॉट थीटा की वैल्यू टैन का ये आया है तो पलट दीजिए 12/5। अब दोनों का आधार समान है तो एक चक्कर लिखिए और 12/5 = 17 माइनस कर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप कर आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, चलिए इसमें आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसमें थर्ड वाला देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। तेरा जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 90° के बीच में है, तो हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा समझिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा की वैल्यू निकाल के देनी है। ठीक, तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, √3 + 1/√3 - 1 है। यदि हम √3 देखें तो √3 या तो टेन का मान होता है तो कॉट में मान होता है, ठीक है, केवल √3। तो हम करना क्या है, यहाँ पर यदि कॉट बन जाए तो हमारा काम बन जाए, और कॉट बनाने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, तभी तो दोनों पक्षों में तुलना करेंगे। अब दोनों से हम साइन थीटा कामन ले लेंगे, या हम ये कह दें कि साइन थीटा से भाग कर देते हैं, तो जब साइन थीटा कामन ले लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये जब नीचे आ जाएगा बराबर √3 + 1/√3 - 1। अब यदि इनसे ये कट जाएगा कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, अब हम दोनों पक्षों की तुलना करें तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो गई, √3। अब कॉट थीटा की वैल्यू √3 हो गई, तो √3 कॉट कितने अंश का मान होता है बोलो, 30° का मान है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30°। अब ये चाहे सेक पूछे कॉस पूछे कोई मतलब नहीं है, चाहे जो पूछ दे, अब सेक 30° का निकालने के लिए मतलब कॉस 30° का मान, कॉस 30° का मान √3/2, तो सेक 30° का मान 2/√3, इस तरह से है। अब मान लीजिए आपके जो विकल्प में इसका कोई सवाल दे रखा होगा कुछ इस तरह से रहा होगा, यानी √3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर रखे होंगे तो आ जाएगा √3/3, इस तरह से आ सकता है और या केवल ये आ सकता है, ये तो आप बदलने के लिए लगा सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ आप कमेंट करके बताइए कि नहीं समझ में आ रहा है, हम दोबारा प्रयास करेंगे, उसके बाद आप और नहीं समझ में आ रहा है दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए आगे देखते हैं, देखिए हमारा जो शायद चौथा क्वेश्चन है, चौथा देखिए क्या होगा, चौथा भी हमारा बहुत आसान सवाल है। 5 sin theta - 4 cos theta इक्वल टू 0, और जो थीटा की वैल्यू वो 0° से अधिक है लेकिन 90° से कम है। अब ये कह रहा है कि वैल्यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान निकालिए, किसका किसका भाई, नीचे तो रखा है यार, 5 sin theta - 2 cos theta / 5 sin theta + 2 cos theta, इसकी वैल्यू निकालनी है।
अब देखिए इसको हमें करना क्या है, एक तो होगा इनको मान लीजिए टेन वाले सबका मान रखिए कोई मतलब नहीं, आप फाइव साइन थीटा फाइव साइन थीटा यहाँ से फाइव साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी फाइव साइन थीटा की वैल्यू चार कॉस थीटा हो जाएगी, यानी फोर कॉस थीटा माइनस टू कॉस थीटा अपान फोर कॉस थीटा प्लस टू कॉस थीटा, ऊपर चार में से दो जाएगा तो बचेगा दो कॉस थीटा और चार दो छः कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कट गया दो बटा तीन यानी बटा तीन आ जाएगा, सॉरी दो बटा छः बटा तीन आंसर आ जाएगा, क्लियर इस तरह से लगेगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं प्रैक्टिस में। दे रखा है टेन थीटा इक्वल टू फाइव बाई नाइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एटीन साइन थीटा माइनस सेवन कॉस थीटा अपॉन नाइन साइन थीटा प्लस अलेवन कॉस थीटा, ये दे रखी है। देखिए हमें जो वैल्यू दे रखा उसी के आधार पर इसको सॉल्व करना है। अब पिछले वीडियो में तो हमें साइन में दे रखा था, यहाँ पर साइन दे ही नहीं रखा है, तो क्या करेंगे, साइन नहीं दे रखा है तब भी हम इसको साइन में बना सकते हैं बड़े आराम से। अब चाहे तो आप साइन बनाइए मर्जी हो जैसे लगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन में बना के आपको हम बता दे रहे कैसे लगे, टेन को लिखिए साइन बटा कॉस, नौ को इधर कर लीजिए तो हो जाएगा नौ साइन थीटा फाइव कॉस थीटा। अब यहाँ से नौ साइन थीटा का मान रखिए तो है अट्ठारह, तो दो से गुणा कर दीजिए और नौ साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अरे नौ दूनी अठारह दो गुणे ही लिखेंगे नौ साइन थीटा, दो गुणे नौ साइन थीटा और नौ को बदलेंगे, हम लिख देते हैं एक बार नाइन साइन थीटा की वैल्यू पांच कॉस थीटा, और बटा पांच कॉस थीटा प्लस अलेवन कॉस थीटा, अच्छा पांच दूनी दस में से सात गया तीन कॉस थीटा, ठीक क्लियर, ग्यारह पांच सोलह सॉरी कट गया तीन बटा सोलह आंसर आ गया। ओके दोस्तों बस आज का जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सेकंड क्वेश्चन सेकंड वीडियो था इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। बच्चों मैं आपसे फिर एक बार वादा कर रहा हूँ कि आपको हर एक नया वीडियो हम अगले दिन अगले वीडियो पर नए वीडियो पर आएंगे, कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर कोई नया क्वेश्चन लेकर हर वीडियो दूंगा। एक वीडियो में दो तीन कॉन्सेप्ट मिनिमम रहेंगे, उसके बाद दो तीन कॉन्सेप्ट के बाद आपको कम से कम पाँच से ज़्यादा क्वेश्चन देंगे, पाँच से अबव रहेंगे, मोर देन फाइव क्वेश्चन, लेस देन नहीं रहेगा, मोर देन फाइव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए। ओके डन।